हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो मैंने वेल्थ मैनेजमेंट की रिलेटेड बनाई है। वेल्थ मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट काफ़ी यूज़फुल होता है बहुत सारे कोर्सेज में। अभी यहाँ पे जो मैंने सिलेबस अपलोड किया है और जो वीडियो बनाई है, ये TYBMS फाइनेंस के लिए है। तो अब वेल्थ मैनेजमेंट में लाइक दिस सब्जेक्ट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग ऑल्सो। तो ये TYBMS फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं इसका सिलेबस क्या है और क्या क्या इसके सिलेबस के कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। वेल्थ मैनेजमेंट इज़ रियली गुड आफ्टर दिस कोर्स TYBMS के बाद, या फिर एक सेपरेट कोर्स भी होता है वेल्थ मैनेजमेंट का, आप स्वयं वगैरह पे आपको मिल जाएगा। मैं उसका लिंक दे दूँगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इससे आपका एलिजिबल होते हो, आप अप्लाई कर सकते हो फॉर वेल्थ मैनेजमेंट पोजिशन के लिए इन कंपनी। सो इट इज़ यूजफुल एंड दिस सब्जेक्ट इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट ईजी। एनी वन कैन स्टडी दिस सब्जेक्ट एंड कैन एलिजिबल दैट वेल्थ मैनेजर पोस्ट। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दस कि इसका पहले सिलेबस है क्या, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। अभी हम एक एक करके मैं आपको यूनिट्स बताऊंगी। इसके अंदर 4 मॉड्यूल्स हैं और हर एक मॉड्यूल का वेटेज जो है वो 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स के मॉड्यूल्स हैं आपको। तो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो अब हम इसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। मैं बता दूं कि इसमें क्या 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 है। पहले जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि इसके अंदर 4 मॉड्यूल हैं और हम यूनिट भी बोल सकते हैं, 4 हैं और हर एक यूनिट को 15 मार्क्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो 15 मार्क्स के लिए हर एक यूनिट आता है। एवरी यूनिट इज़ इम्पॉर्टेंट, वी कांट स्किप। लेट्स गेट इनटू। So now without wasting time, I really want to start this unit कि क्या है। हम इसका एक review देखते हैं क्या क्या है इसके। तो पहला है module 1, जिसमें हमको introduction, इस chapter का नाम दिया है, unit का नाम दिया, introduction to wealth management। अब इसलिए जो introduction to wealth management जो module है, ये 3 उसमें divide हुआ है, 3 part में। फर्स्ट मॉड्यूल मॉड्यूल 1 जो है बेसिकली इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आने वाला है 8, 7, 7 और 7, 7, 8 एनी कॉम्बो। तो जो फर्स्ट वाला है वो इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि वेल्थ क्या होता है, वेल्थ, फिर वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है, देन उसका मीनिंग है, स्कोप है वेल्थ मैनेजमेंट का, देन कॉम्पोनेंट्स आर डिफरेंट, प्रोसेस है, फिर उसकी नीड क्यों होती है, देन एक्सपेक्टेशन क्या होती है क्लाइंट की टूवर्ड्स वेल्थ मैनेजर, फिर कोड ऑफ एथिक्स क्या दिया गया है एक वेल्थ मैनेजर के लिए। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट मॉड्यूल का। अब मैं आती हूँ बी पार्ट पे। तो बी पार्ट जो है वो रिलेटेड है पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो यहाँ पे पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड है। फिर इसमें हम देखेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, फिर कुछ फाइनेंशियल गोल होते हैं वो कौन से हैं, फिर उसके लिए प्लानिंग कैसे की जाती है, कैश फ्लो एनालिसिस कैसे किया जाता है, फिर फाइनेंशियल प्लान को कैसे बिल्ड किया जाता है और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या है वो। उसके बारे में हमारा थर्ड पार्ट है, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल। इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इकोनॉमी के रिलेटेड है। उसमें इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, कौन से होते हैं, फिर यील्ड कर्व कौन से होते हैं, जैसे कि अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, फिर फ्लैट होता है वो, देन उसके बाद रियल रिटर्न क्या होता है, की इंडिकेटर्स कौन से हैं, जैसे लीडिंग है, लैगिंग है, कॉन्करेंट है। तो ये तीनों भी हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये यूनिट में हमको एक ब्रीफली हमको अंडरस्टैंड करने मिलेगा उसका इंट्रोडक्शन, देन सेकेंड पार्ट में पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे एनालाइज किया जाता है वो। इट इज़ प्योरली थ्योरी, ओके, दिस यूनिट इज़ थ्योरी। तो इसमें से थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा 15 मार्क्स का। एक क्वेश्चन होगा मॉड्यूल मॉड्यूल 1 के पार्ट ए से, फिर एक क्वेश्चन होगा पार्ट बी से और एक क्वेश्चन होगा आपका पार्ट सी से। तो ऑल टुगेदर 3 क्वेश्चंस दे विल आस्क फ्रॉम दिस मॉड्यूल 1।
आउट ऑफ थ्री यू हैव टू आंसर ओनली वन, और 15 मार्क्स का फुल फ्लैच होगा, या तो फिर 7 or 8 में बाइफरकेट होगा, और एल्स यू हैव टू अटेम्प्ट. यूजुअली यू नो दे आस्क 7 or 8 का कॉम्बो, फुल फ्लैच रेयर केसेस में पूछे जाते हैं, तो 7-8 का होगा. तो यू हैव टू स्टडी एनी 2 चैप्टर्स फ्रॉम दिस. यू कैन स्किप 1 चैप्टर एज अ चॉइस, क्योंकि एक एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन होता है. ओके, नाउ लेट्स क्विकली गेट स्टार्ट द सेकेंड मॉड्यूल. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग मॉड्यूल 2. मॉड्यूल 2 में क्या होगा? मॉड्यूल 2 जो है ये भी 15 मार्क्स के लिए है, और इसका हेडिंग है, टॉपिक है इंश्योरेंस प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग. तो इसमें ये डिवाइड होता है मॉड्यूल 2 दो पार्ट में. इसका ए पार्ट है जो कि रिलेटेड है इंश्योरेंस से, और बी पार्ट रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट से. इसमें आपको थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बो दिया जाता है. जो मतलब जो पहले इंश्योरेंस प्लानिंग वाला है उसमें आपको प्रैक्टिकल पूछा जाता है, और एक थ्योरी होती है 7-8 के लिए, और जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको सिर्फ थ्योरी पूछी जाती है. अब इसमें इंश्योरेंस प्लानिंग में पहले हमको समझना होगा कि इंश्योरेंस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, फिर उसके फंक्शंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, राइट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इंश्योरर की भी इंश्योर्ड की भी, फिर टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कौन सी होती है, नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो देखेंगे, फिर कुछ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है वो, फिर जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है, देन मेडिक्लेम है वो, उसके बाद में यहाँ पे कैलकुलेशन होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू का, हम कैलकुलेट करते हैं. तो उसमें दो मेथड है, एक बेल्ट मेथड है और एक सीपीटी मेथड है. तो इसके बेसिस पे यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर 8 मार्क्स, और एक थ्योरी क्वेश्चन होगा फॉर 7 मार्क्स. नाउ आई विल कम टू द पॉइंट नंबर बी. तो बी वाला जो है ये रिलेटेड होता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से. अब ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से रिलेटेड है, तो इसमें पहले हमको समझना है इन्वेस्टमेंट होता क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसमें कौन से कंसेप्ट यूज़फुल होते हैं, फिर उसमें टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन से होते हैं, देन उसके बाद में रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होता है, देन इन्वेस्टर एसेट एलोकेशन क्या होता है, देन यहाँ पे कुछ लाइफ साइकिल मॉडल है वो देखेंगे, देन एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज़ है वो रीड करेंगे, फिर कुछ टैक्टिकल स्ट्रैटेजीज़ है वो, फिर कुछ लाइफ प्लानिंग होती है वो देखेंगे, फिर कुछ गोल बेस्ड प्लानिंग होती है वो देखेंगे, एंड देन फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है वो स्टडी करना है, और लास्ट में है एक्टिव एंड पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़. तो जो स्ट्रैटेजीज़ होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव. तो हमको दोनों भी रीड करना है कि एक्टिव में क्या आएगा और पैसिव में क्या आएगा. तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आपको. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. सो नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 3. अब मॉड्यूल नंबर 3 में क्या है? तो मॉड्यूल नंबर 3 की हेडिंग है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स टैक्स एंड एस्टेट प्लानिंग. इसके भी 2 पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट जो है वो अगेन आपको 7-8 में आता है, या फिर 7-8 या फिर 7-7 या फिर 7. तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है यहाँ पे, अगेन ये प्रैक्टिकल है जिसमें आपको कैलकुलेट करने होंगे कुछ रिटर्न्स. उसके लिए मेथड है डिफरेंट, CAGR मेथड है, फिर पोस्ट टैक्स है, रिटर्न कैलकुलेट करना होगा. इसके बाद इसमें टोटल एसेट्स कैलकुलेट करना होगा, नेट वर्थ कैलकुलेट करनी होगी, उसके कैलकुलेशंस होंगे, और कुछ फाइनेंशियल रेशो है, फॉर एग्जांपल लाइक करंट रेशो और स्टॉक वैल्यूएशन रेशो, प्रॉफिट गेयरिंग रेशो, क्विक रेशो. तो ये रेशो एनालिसिस भी यहाँ पर आ जाता है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है लोअर स्टैंडर्ड्स में. तो रेशो एनालिसिस यहाँ पे एक पार्ट है. उसके बाद में मैं आती हूँ बी पार्ट पे. बी जो है ये है टैक्स रिलेटेड,
और इस्टेट प्लानिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमको पहले अंडरस्टैंड करना है कि इनकम टैक्स क्या होता है, उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है, उसमें वेरियस कंसेप्ट्स कौन कौन से। तो जैसे कि एसएससी होता है, असेसमेंट ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, प्रीवियस ईयर है, कैलेंडर ईयर है, इनकम टैक्स स्लैब क्या है, फिर TDS क्या होता है, एडवांस टैक्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, देन कैरी फॉरवर्ड क्या है, सेट ऑफ क्या है, स्टेट प्लानिंग क्या होती है, उसके कंसेप्ट्स क्या है, उसके बाद में विल क्या है, उसके टाइप्स क्या है, देन रिक्वायरमेंट क्या होती है एक वैलिड विल के लिए, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कब वो वैलिड होती है, फिर ट्रस्ट डीड क्या होती है, फिर इसमें कुछ डिडक्शंस हैं, तो डिडक्शन जैसे कि हायर एजुकेशन को लेकर है, देन इंश्योरेंस रिलेटेड है कुछ, कुछ डिसेबिलिटी को लेकर है, तो वो सब, फिर एग्जेम्पशंस हैं, कहाँ कहाँ पे एग्जेम्पशंस मिलेगा। तो ओवरऑल इट इज़ रिलेटेड टू टैक्स ओनली, टैक्स प्लानिंग है तो ऑब्वियसली टैक्स को कैसे प्लान करना है, कैसे उसमें एग्जेम्पशन क्लेम करना है, कैसे डिडक्शन करना है, वो सारा ही इसके अंदर है। तो दिस इज़ प्योरली प्रैक्टिकल, दोनों भी प्रैक्टिकल आता है, एक क्वेश्चन पार्ट ए से होता है और एक क्वेश्चन पार्ट बी से होता है, 7 और 8 में अगेन ये डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मतलब कौन से क्वेश्चन में आएगा ये आपको आगे ही वीडियो में देखने मिलेगा, मैं पेपर पैटर्न का वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी तो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट न्यू मॉड्यूल। सो ये लास्ट मॉड्यूल है हमारा, इसका हेडिंग है, टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग, इनकम स्ट्रीम्स एंड टैक्स सेविंग स्कीम्स। अब इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट है रिटायरमेंट प्लानिंग और सेकेंड पार्ट है इनकम स्ट्रीम्स और टैक्स सेविंग स्कीम। हम रिटायरमेंट प्लानिंग से इट इज़ वेरी नेसेसरी, कुछ लोगों को लगता है अरे जब होगा ना देखा जाएगा रिटायरमेंट के लिए क्या प्लान करना है। ऑब्वियसली रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ मस्ट, ज़रूरी है वो, उसके बिना आप सर्वाइव नहीं हो पाओगे। और जो प्लान नहीं करते हैं वही होते हैं जो सफ़र करते हैं अपने लेट 60s में। अब कुछ लोगों का सोचना ऐसे होगा कि अरे 60 ईयर्स से कहाँ, आजकल लाइफ तो बहुत शॉर्ट है, कुछ भी हो जाता है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप 60 ईयर्स में रिटायरमेंट लो, कहीं पे ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कभी भी रिटायरमेंट ले सकते हो, दैट इज़ टोटली योर चॉइस। व्हेन यू फील कि मेरा वेल्थ क्रिएट हो गया है, इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी कुछ है, तो मैं रिटायरमेंट ले सकती हूँ एनी टाइम। ओके, जैसे आपने अभी पेंडेमिक में रिसेंटली एक न्यूज़ बहुत एक वीडियो वायरल हुई थी, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट और नॉट, उसमें एक 35 ईयर की लेडी है जिसने अमेरिका से बिलोंग करती है, वो जिसने 35 ईयर में उसने रिटायरमेंट लिया है। तो रिटायरमेंट के लिए कोई एज नहीं होती है, आपको जब फील होता है कि यू आर यू नो एलिजिबल टू गेट रिटायरमेंट एंड नाउ यू आर डन, यू वांट अ रेस्ट और यू वांट टू रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड, देन यू कैन टेक व्हेनेवर यू वांट इट। तो उसने रिटायरमेंट प्लानिंग की थी, कभी मैं उसकी जो वीडियो है दैट आई विल शेयर तो यू कैन वॉच दैट, उसके अंदर उसने पूरा बताया किस तरह उसने प्लान किया। सो आप भी इस तरह प्लान कर सकते हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है पहले से प्री प्लानिंग करना। तो यहाँ पर इसके लिए हमको पहले समझना होगा कि सैलरी के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद में फिर रिटायरमेंट क्या होता है, उसके लिए कैसे प्लानिंग की जाती है, फिर पर्पस क्या है, क्यों, नीड क्या है, क्यों चाहिए मेरे को रिटायरमेंट प्लानिंग, फिर लाइफ साइकिल प्लानिंग क्या होता है, फिर नीड क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वेल्थ क्रिएशन क्या होता है, हाँ फिर वेल्थ क्रिएशन कैसे किया जाता है, उसमें फैक्टर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल स्ट्रैटेजीज क्या होती है, फिर टैक्स ट्रीटमेंट क्या होती है, प्री और पोस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, ये सब। हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं, सेकेंड पार्ट रिलेटेड है इनकम स्ट्रीम्स और टैक्स सेविंग। तो यहाँ पे हमको देखना है कि पेंशन क्या है, उसकी डिफरेंट स्कीम्स क्या है, एन्युटी क्या है, टाइप्स ऑफ एन्युटीज़ क्या होती है, वेरियस इनकम क्या है, टैक्स सेविंग स्कीम क्या है, तो हम ये सब रीड करने वाले हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ कॉमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज विदाउट नोटिफिकेशन यू विल नॉट गेट नोटिफाइड without bell icon, so please press the bell icon for the future updates. See you soon with the next video. Till the time, you take care.
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल. वंस अगेन थैंक यू सो मच.